हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 30 ऑफ पोकेमॉन फायर में। एंड आज हम अपना तीसरा और लास्ट लेजेंडरी बर्ड को पकड़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोल्ट्रेस। चलो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है वर्मिलियन सिटी में, और आपको उसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपने SSNA की टिकट लाए थे, मतलब SSNA में गए थे, और वहीं से आप कहीं भी जा सकते हो। वन आइलैंड जाना है आपको। चलो वन आइलैंड चलते हैं। एंड वन आइलैंड पे आने के बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। भाई देखो, एक तो बहुत मुश्किल होगा मोल्ट्रेस को पकड़ना भी, क्योंकि जिस हिसाब से लेजेंडरी बर्ड्स को हमें दिक्कत आई है पकड़ने में, सच में बता रहा हूँ, बड़े मुश्किल से पकड़े हमने, और पैसे हमारे पास बहुत कम रह गए हैं। यहाँ पर घास है, मैं रिपेल लगा लेता हूँ कुछ। अरे यार, ये तो बैग में होगा ना, मैं यहाँ पोकेमॉन पे कहाँ आ रहा हूँ। यह छोटी सी घास है, अगर टपती है तो टपा देते हैं। क्या करें, नहीं यार, मेरे को रिपेल लगा ही लेना चाहिए था। ओके, यहाँ पर एक पोनीटा लेवल 31 का, जो कि काफ़ी अच्छा पोकेमॉन लगता है मुझे, क्योंकि पोनीटा और रैपिडैश दोनों के डिज़ाइन, स्पेशली रैपिडैश का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोगों को कैसा लगता है वो भी बताना यार। यहाँ पर एक फियरो, मुझे लगा था अगर पोनीटा एक नया पोकेमॉन आया तो शायद यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फायर टाइप पोकेमॉन्स हों, बट ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर आगे एक बैटल है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है मुझे रिपेल लगा लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन्स आ रहे हैं। रुको, मैं रिपेल लगा ही लेता हूँ वहाँ अगली घास पे पहुँच के। रुको, यहाँ इसके पीछे से जाते हैं सबसे पहले, और रिपेल लगा लेता हूँ सबसे पहले मैं बैग। अरे यार, मैं फिर से पोकेमॉन पे आ गया। बैग पर जाएंगे और रिपेल, मैक्स रिपेल किधर होगा, नीचे नीचे होना चाहिए। ओके, मैक्स रिपेल यूज़। हमने मैक्स रिपेल को यूज़ कर लिया है, एंड नाउ अब हम फ्रीली घूम तो सकते हैं कम से कम। यहाँ पर मुझे लगा ये बैटल, अरे यार ये क्या हो गया, मैं अंदर जाके भिड़ गया उनके, मतलब वो इतनी दूर से देख भी नहीं रहे थे मुझे, मैं फिर भी कमॉन यार, ये मैं गलती से आगे बढ़ता गया। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं हमें, कुछ एक एक अटैक करने हैं दोनों पर। फाइट थंडरबोल्ट जिस पे भी कर दो, फाइट सर्फ, और दोनों पे एक एक अटैक इनफ होगा मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब इनफ होगा। लेवल का फर्क देखो, इतना फर्क है, चाहे वो टाइप स्ट्रॉन्ग हो ना हो, बट इतना अच्छा लेवल का पोकेमॉन है तो कहाँ कोई बच सकता है। तो चलो भाई, जब उन्होंने फाइनली बैटल जीत लिया, बट ये तो मैं धक्के से लट पड़ा, मतलब ये मतलब मैं अवॉइड इजी कर सकता था इस बैटल को, बट या कभी कभी लक साथ नहीं होता ना। ओके, इनका, ओ यार ये क्या हो गया, मतलब ये गलत हो गया, मैं इस बार ज़्यादा जल्दी करती हूँ, इस बार मैं लेट हो गया, मतलब आज तो दिन ही खराब लग रहा है मेरे को, और मुझे लगता है वो दोनों से लड़ना पड़ेगा मुझे, एक से बात बनेगी नहीं, मेरे को दोनों से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है भाई। मैं कहाँ मोटर्स को करने आया था, और कहाँ ये इधर फंस गया, मतलब हद है। राइट, यू गेन जितने भी एक्सपी पॉइंट्स मिले, बट ये है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, वही बहुत है, और पैसे की सख्त जरूरत है अभी हमें, अगर और अल्ट्रा बॉल्स चाहिए तो। पैसे चाहिए भाई, अभी तो मेडल करके आ जाएगा वो भी ठीक है, बट मुझे जल्दी से बस आगे निकलना है। 800 रुपये, अरे यार इसे भी लड़ना पड़ेगा, ये कहता ना कि एक से लड़े तो दूसरे से भी फ्री में लड़ना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो डबल मेडल कर देते, दोनों को एक साथ हमारा देते, बट नहीं ऐसा थोड़ी करना है, टाइम पर बात करना है बस। चलो कोई बात नहीं, अब देखते कितनी देर लगती है, हमारा राइचू लेवल अप हो जाएगा इसी के साथ, जैसे ही हमारा मेडल ओवर होगा। आप देख सकते हैं राइचू लेवल अप हो गया, और चलो भाई एक और पोकेमॉन इसके पास, एक माचॉक सेम अपने कर देंगे। राइचू भाई अलग लेवल पे बढ़ रहा है, राइचू रॉयल भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले लॉरेली को हराना, क्योंकि रीमैच होगा वापस एलीट 4 और गैली के साथ, उसके बाद ब्लास्टोइस को हराना गैली के, और गैली के फिर पिजॉट को हराना, तब में राइचू बहुत इंपॉर्टेंट है। राइचू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है इस गेम में, या कोई भी गलत ग्रास टाइप या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ज़रूर होना चाहिए आपकी टीम में, अगर नहीं है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। नहीं, इसको भी मैं तीनों बैटल्स में इजीली अवॉइड कर सकता था, पर तीनों ही हम नहीं कर पाए, और आप नतीजा देख रहे हो, अब तीनों से ही हम लड़ रहे हैं थंडरबोल्ट। चलो कोई बात नहीं, बस वीडियो बड़ा बन जाता है, मतलब 10-15 मिनट का वीडियो सही रहता है, कि अगर आप एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ रहे हो वीडियो में तो 10-15 मिनट का, जैसे कि आर्टिगन और ज़ेब्राडॉस की आई थी वीडियो, मुझे तो ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें मोल्ट्रेस मिला भी नहीं है, और अभी हम इतना टाइम खर्च चुके हैं, बट कोई बात नहीं, जब भी आ जाए देखते हैं भाइयों। ये तो मर जाएंगे इजीली, ये तो हमें पता ही है, ये हमारे सामने कहाँ टिकने वाले हैं, पैसे देने चाहिए इनको 2-2 हज़ार, मुझे ये देने सिर्फ 148 रुपये दिए इसने, मतलब हद रहती है ना हद, 148 रुपये का मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर हम कहीं आ गए हैं माउंट एम्बर, सबसे पहले हम इधर चले जाएंगे बोल्डर्स को हटाने, लेट्स सी अगर इधर कुछ है तो चलना। इधर हम कुछ चेक कर लेते हैं, कुछ है तो नहीं। ओके, इसको भी हटा देंगे,
आगे एक और बैटल है, इसको तो मैं अवॉइड करके ही रहूँगा। और अब ये फिर से ना देखे हमें, निकल गए निकल गए निकल गए। सो बहुत अच्छा रहा ये, हमने ये बैटल इजीली अवॉइड कर दिया। अब हमें जाना किधर रहेगा ये भी देखने वाली बात होने वाली है। सो यहाँ जाता हूँ, पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ। नहीं यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। और नहीं 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 नहीं, मतलब जो इजीली अवॉइड कर पा रहा हूँ ना, मैं उनसे ही भिड़ रहा हूँ। आज हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा यार हो क्या रहा है। मतलब मैं सबसे भिड़े जा रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ। थंडरबोल्ट यार, ये तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इस हिसाब से। वो तो अलग बात है, मैं टू एक्स कर दूंगा फिर बैटल। इतने सारे एक आधा बैटल होते हैं तो फिर रहने देते हैं टू एक्स, बट इतने सारे बैटल्स हो जाएं फिर वो टू एक्स करना पड़ता है। वीडियो फिर जितना शॉर्ट उतना अच्छा रहता है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। एक तो फोन की मेमोरी कम, और आप लोगों को देखने में ज्यादा मजा आता है बल्कि छोटे वीडियोस कंपैरेटिव टू लॉन्ग वीडियोस। अगर मैं आप पौने पौने घंटे की वीडियो बना तो कौन देखेगा भाई? आप लोग क्या इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो? 10-15 मिनट का, ज्यादा 20 मिनट का वीडियो है। सो यू कैन सी, और थोड़ा टाइम निकाल के आप देख सकते हो। आई नो आप पूरा तो नहीं देखते होगे, थोड़ा स्किप तो करते ही होगे बीच में। ये तो मैं बैट के साथ कह सकते हो, यहाँ हमें कुछ मिला यार, डायर हिट कुछ करके मिला। मुझे लगा बहुत कुछ अच्छा होगा कि इतनी ज़्यादा कोने में जाके बना रखा है। ओके यहाँ पर हम निकल जाएंगे। रिपेल का भी, कभी रिपेल ज़रूरत भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाते हैं पहले हम। सो यहाँ पर मुझे लगता है एक और बैटल हो सकता है। ये देखो, ये तो चलो कंपलसरी बैटल था, इसको हम अवॉइड कर नहीं सकते थे। सो कोई बात नहीं, ये बैटल करते हैं अपने फटाफट से। ओके मॉन रेंजर, रेंजर इसका नाम नहीं देखा मैंने, कोई बात नहीं। थंडरबोल्ट भाई, थंडरबोल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं। मुझे लगता है अब हम उठ रहे थे काफ़ी ज़्यादा करीब होंगे उसको पकड़ने में भी। ये क्या है, उसको तो पकड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा जोर आएगा। एक एग्जिट और, सो मेरा चार्लीजार्ड चला जाएगा। कमॉन चार्लीजार्ड, करना तो इसने वन शॉट लिया, पर 40 लेवल का एग्जिट और, काफ़ी ज़्यादा लेवल का था ये। और वन शॉट किल होगा ऑफकोर्स, क्योंकि फिर भी हमारा पोकेमॉन 18 लेवल ज़्यादा है इसे। तो चलो भाई, इसको हमने हरा दिया है। एंड रेंजर लोगन था इसका नाम, ठीक है। सो अब हम फिर से बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर हम किसी केव में आ जाएंगे। तो चलो भाई, माउंट एम्बर ही आ गई है। सो यहाँ पर रिपेल की ज़रूरत पड़ने वाली थी तो मैंने रिपेल लगा लिया है। सो ये माउंट एम्बर है भाइयों, यहाँ पर रास्ता है तो यहाँ पर चले जाएंगे, सीधा सीधा चले जाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर का रास्ता है, ऊपर चले जाएंगे, मतलब सीधा सीधा रास्ता है, इससे ज़्यादा भूल भुलैया नहीं है ये। मतलब सीधा सीधा जहाँ एक ही रास्ता निकल रहा है वहीं वहीं आपको जाते जाना है, ज़्यादा पंचायत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम बाहर निकल गए हैं और शायद हम मोल्ट्रेस के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, काफ़ी देर हो गई हमें। सो यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, कोई बैटल ना आ जाए। सो यहाँ पर देखो भाई, ये बोल्डर्स हैं, मेरे को किस तरह से इनको हटाना होगा। सो शायद मेरे को सबसे पहले इसको धक्का देना आगे की तरफ। सो मैं पहले इसको धकेल दूंगा, फिर इसको धकेलूंगा, फिर इसको धकेलूंगा और फिर इसको धकेलूंगा। और वो रहा भाई मोल्ट्रेस, देख सकते हो आप, गया। मज़ा आ जाएगा भाई एक बार फिर से मोल्ट्रेस द लेजेंडरी बर्ड। और सबसे अच्छा मुझे मोल्ट्रेस ही लगता है। सो भाई मोल्ट्रेस को आज हम पकड़ने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं थंडर वेव्स इसको पैरालाइज करने वाला हूँ। आई नो वीडियो थोड़ा आजकल लंबा हो गया होगा, तो चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ पहले इसको, क्योंकि यार फिर पोकेबॉल्स फेंकनी है, आप कितनी देर देख सकते हो उसको। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पर हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मुझे लगता है राइचू का कोई भी अटैक इसे ख़त्म कर देगा। सो मेरा ड्रैगनाइट आ जाएगा, अजिलिटी कर दिया उसने, और मैं यहाँ पर विंग अटैक कर दूंगा और देखते हैं भाई। मर जाएगा यार ये तो, एक और मैंने अगर अटैक करा तो मर जाएगा, इसलिए मैं मैरो वैक को लेके आ रहा हूँ। सो मैरो वैक मुझे लगता है सही रहेगा। रेज या फॉल्स स्वाइप, रेज करके देखते हैं। पैरालाइज ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम हेल्थ गई, बट मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। ये ठीक किया, क्रिटिकल हिट हो गया कि मैरो वैक मरने वाला हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, पैरालाइज हो गया, नाइस। फॉल्स स्वाइप, सो मैरोवैक मर गया लेकिन उसने अपना काम कर दिया। यस आप कोई भी पोकेमॉन ले आते हैं ठीक है, और इसके बाद अपने अल्ट्रा बॉल्स का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा, मेरा दिल कहता है मोल्ट्रेस भाई आ जाना बस। चलो देखते हैं भाई, फायर स्पिन बट टैग मिस हो गया उसका बेचारे का। यहाँ पर देखते हैं भाई कितनी देर में हम पकड़ सकते हैं इसको। मुझे लगता है टाइम लगेगा बट इतना भी नहीं। फ्लेम थ्रो काफ़ी अच्छा अटैक था इसका भाई, तगड़ा।
ये देखो भाई कितनी कितनी हेल्थ जा रही है लेप्रेस की, जबकि लेप्रेस आइस टाइप पोकेमोन है इसलिए भी शायद ओके। यहाँ पर दो बार वो हो गया था, देखते हैं भाई कितनी देर लगेगी हमें पकड़ने में इसको। अल्ट्रा बॉल पे अल्ट्रा बॉल फेंकते जाएंगे और भाई काफ़ी ज़्यादा क्लोज था फिर से, मैं सेव भी नहीं करा मैंने शायद, ओ माय गुडनेस मुझे सेव शायद इस बार मैंने नहीं करा। चलो भाई अब तो अपना लक ही है, अगर हम पकड़ ले तो अच्छा है, मैंने सेव शायद नहीं करा इस बार, मैं भूल गया यार मैंने आर्टिकुनो और जेपडोस के टाइम तो कर लिया था। और जिस हिसाब से मोल्ट्रेस जल्दी जल्दी मार रहा है हमारे पोकेमोन्स को, दो पोकेमोन हमारे ऑलरेडी मर चुके हैं, सो भाई दिक्कत में आ ना जाए हम। बैग अल्ट्रा बॉल ऑलरेडी इसने हमारी 10 से ऊपर अल्ट्रा बॉल यूज़ कर लिए हैं, मतलब खा लिए एक तरह से। निडो किंग भी मेरे को लगता है 3-4 अटैक में मर जाएगा। ओके भाई आ जा यार मोल्ट्रेस कम ऑन, नहीं आ रहा है इतनी जल्दी नहीं आएगा ये। ओके मोल्ट्रेस कम ऑन, एक लेजेंडरी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, बट यार कम से कम हमारे पैसों का लाज रखे कि हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा कम है और अल्ट्रा बॉल्स की कमी। सो अगर ऑल लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़ने हैं तो समझ रहे हो ना आप कि कितनी बड़ी दुविधा है हमारी। अल्ट्रा बॉल थोड़ी यूज़ करूँगा मैं, हमने बाकी जिसमें पकड़े अल्ट्रा बॉल में पकड़ेंगे हम इसको, देखते हैं भाई हमें पूरा फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा अगर हम इसको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि मैंने सेव भी नहीं करा यार, ये सबसे बड़ी गलती मेरी। बट मुझे लगता है आ जाएगा, इतनी भाई 30 से ज़्यादा पोके अल्ट्रा बॉल्स थी मेरे पास, तो मुझे लगता है तब तक तो आ जाएगा, देखते हैं बाकी। आ जा यार कम ऑन, नहीं यार ये तो बहुत बहुत धीरे, मतलब एक भी नहीं हो रहा काउंट। ओके भाई अरे यार ये बहुत ज़्यादा क्लोज था आप देख सकते हैं, और सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था, इवन मतलब मुझे लगा था आ ही गया, मैं अभी गोचा करने वाला था उतने में ही वो बाहर निकल गया। और पोके बॉल्स रह गई हैं बहुत ज़्यादा कम, मतलब अल्ट्रा बॉल जो भी है सिर्फ 9 अल्ट्रा बॉल्स। ओके भाई जल्दी कम ऑन, नहीं आ रहा यार नहीं आ रहा, मुझे लगता है मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिस हिसाब से काम चल रहा है, देख सकते हैं भाई। अल्ट्रा बॉल यार कम ऑन आ जा मोल्ट्रेस, 6 अल्ट्रा बॉल्स रह गई हैं, एक नहीं 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 आ रहा है, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, नहीं आ रहा यार नहीं आ रहा है, कम ऑन अल्ट्रा बॉल गई भाई, अल्ट्रा बॉल्स गई गई भाई गई, ये गलत हो गया यार, 2 अल्ट्रा बॉल्स ही रह गई हैं, 1, 2 और 3 फाइनली पकड़ लिया भाई, मुझे लगा था अपने गए, और ये तीनों के तीनों लेजेंडरी बर्ड्स पकड़ चुके हैं अपने। ओके आई विल नॉट गिव निक नेम, सो यहाँ से अपने बैग पर जाके एस्केप रोप यूज़ करेंगे। बट अब बात यहाँ आ जाती है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, अल्ट्रा बॉल्स ख़त्म है, सो बाकी हम किस तरह से पकड़ेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मुझे लगता है आइटम्स वगैरह सेल करके शायद कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बाकी चीट्स का शायद मैं ना यूज़ करूँ, सो देखते हैं भाई क्या करेंगे अभी हम। तो यहाँ से माउंट एम्बर से हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ से हम पोकेमॉन से फ्लाई कर लेंगे 2-1 आइलैंड। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही होगा, ये मैं इस पर क्यों नहीं आ पा रहा, रुक जाओ। ओके ये शायद फास्ट फॉरवर्ड होने के कारण वो आगे निकल जाता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया आज का, आई नो थोड़ा सा टाइम लग गया हमें मोल्ट्रेस को पकड़ने में, बाकी बस वो आ गया वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कि बहुत ज़्यादा रिस्की था वो, 1-2 अल्ट्रा बॉल ही रह गए थे और मैंने सेव भी नहीं करा था इवन। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, सो आज के लिए बाय, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड आज के लिए बाय बाय।